हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो ट्यूटोरियल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से नाउन ही डिस्कस करेंगे। दिस इज थर्ड पार्ट। इससे पहले मैं दो वीडियोस और बना चुका हूं। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन दोनों वीडियोस को भी जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे अटेम्प्ट करने के लिए। अगर आपको उनमें कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उन डाउट्स को भी मुझसे पूछ सकते हैं। डाउट पूछने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं पेज को, और इसके साथ साथ ही आप यूट्यूब पे भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको नाउन के बारे में कुछ चीजें बताई थी, आपको नाउन के टाइप्स के बारे में बताया था, और पार्ट सेकंड में जो हमने डिस्कस किया था, कुछ इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस किए थे नाउन के बारे में ही, और इसी के साथ साथ पार्ट थर्ड में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ही डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ कुछ वर्ड्स भी देखेंगे कि प्लूरल में किस तरह से होते हैं और सिंगुलर में किस तरह से होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कुछ रूल्स के साथ, कुछ वर्ड्स के साथ। देखिए, जब आप कुछ वर्ड्स को सिंगुलर टू प्लूरल बनाते हैं, राइट, सिंगुलर टू प्लूरल बनाते हैं कुछ वर्ड्स को, तो उनके साथ जो कंडीशंस लगती हैं उन कंडीशंस को देखते हैं। देखिए, अगर किसी वर्ड के लास्ट में आपको यूएस दिखता है, ओके, किसी वर्ड के लास्ट में आपको यूएस दिखता है और आपको उसको प्लूरल बनाना है, तो प्लूरल बनाने के लिए आप उस वर्ड में से यूएस हटाकर आई लगा देंगे। आप क्या करेंगे, अगर किसी वर्ड के लास्ट में आपको यूएस लगा हुआ दिखता है और आपको उसको प्लूरल बनाना है, तो आप यूएस हटाकर उसमें आई लगा देंगे, वो वर्ड जो है आपका प्लूरल बन जाएगा। एग्जांपल देखिए, जैसे यहां पर देखा आपने एफ यू एन जी यूएस, फंगस। आपने यहां पर यूएस लास्ट में लगा हुआ देखा, तो आपने यूएस हटाकर आपने आई लगा दिया, तो आपका प्लूरल बन गया, राइट, फंगी बन गया। इसके साथ साथ आपका लोकस, यहां पर आपने यूएस देखा और आपने यूएस हटाकर आपने आई लगा दिया, ये भी आपका प्लूरल बन गया। इसी तरह से सिलेबस, सिलेबस में आपने यूएस देखा, आपने लास्ट से यूएस हटाया और आपने आई लगा दिया, तो क्या बन गया, स्लेबी। इसी तरह से रेडियस, यहां पर आपने यूएस देखा, आपने यूएस हटाया और आपने आई लगा दिया, राइट। तो इस तरह से आप किसी भी वर्ड को जिसके लास्ट में यूएस लगा हुआ है उसको प्लूरल बना अगर बनाना चाहते हैं तो आप उसके लास्ट में आई लगा देंगे और उस यूएस को हटा देंगे, आपका वो वर्ड प्लूरल बन जाएगा। कंडीशन नंबर दो देखते हैं। अगर किसी वर्ड के लास्ट में आपको एफ दिखता है या फिर एफ ई दिखता है, राइट, उस वर्ड को आप प्लूरल बनाना चाहते हैं, तो आप एफ ई को हटाकर या फिर एफ को हटाकर उसके स्थान पर VES लगा देंगे, वो वर्ड आपका प्लूरल बन जाएगा। जैसे यहां पर देखिए आपका काल्फ, आपने F देखा तो आपने F हटाया और VES लगा दिया, तो क्या हो गया, काल्फ्स। इसी तरह से आपने वाइफ देखा, FE आया तो आपने FE हटाकर VES लगा दिया, तो क्या बन गया, आपका वाइफ्स बन गया। इसी तरह से आपने थीफ देखा तो आपने यहां पर EF देखा, EF हटाया आपने VES लगा दिया, तो क्या हो गया, आपका थीव्स। इसी तरह से आप सभी वर्ड को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंडीशन नंबर तीन। अगर किसी वर्ड के लास्ट में डबल S हो, CH हो, S हो, X हो या फिर Z हो या फिर SH हो, अगर उस वर्ड को आपको प्लूरल बनाना है तो आप इन सभी वर्ड को हटाकर उसके स्थान पर ES लगा देंगे, आपका जो वर्ड रहेगा वो प्लूरल बन जाएगा। जिस तरह से आपने देखा गैस, राइट, तो यहां पर आपने ES लगाया तो क्या हो गए, गैसेस। यहां पर आपने देखा ग्लास, ओके, आपने ग्लास यहां पर आपने इसमें ES और एड कर दिया, तो क्या हो गया, ग्लासेस। इसी तरह से आपने देखा बुश, यहां पर आपने ES और एड कर दिया इसमें, तो क्या हो गया, बुशेस। इसी तरह से आपने देखा फॉक्स, आपने ES और एड कर दिया, क्या हो गया, फॉक्सेस, राइट। नेक्स्ट देखिए, अगर किसी वर्ड में आपको डबल वोवेल मिलता है, क्या मिलता है, डबल वोवेल मिलता है, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए आप उसमें सिर्फ S और एड कर देते हैं, राइट। यहां पर आपने देखा बैम्बो, तो आपने उसमें एस और ऐड कर दिया, आपका प्लूरल बन गया। आपने यहां पर देखा जू, उसमें आपने एस और ऐड कर दिया। यहां पर देखा आपने रेडियो, उसमें आपने एस और ऐड कर दिया। इस तरह से आपके सारे के सारे वर्ड प्लूरल बन जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, एंड विद कॉन्सोनेंट। अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट के साथ
एंड होता है तो आप उसमें सिर्फ एस ऐड कर देंगे और आपका जो वर्ड है वो प्लूरल बन जाएगा, राइट। जैसे आपने यहाँ पर अम देखा, उसमें आपने एस ऐड कर दिया तो अम्स हो गया, राइट। इसे काट दीजिए, ये सही नहीं है। इसी के साथ साथ आपने यहाँ पर बुक देखा तो आपने उसमें एस ऐड कर दिया तो क्या हो गया, बुक्स हो गया, राइट। नेक्स्ट देखिए, बिफोर वाई कॉन्सोनेंट, अगर वाई के बाद, वाई से पहले वाला जो अल्फाबेट है, जो लेटर है, अगर वो आपका कॉन्सोनेंट है तो उसमें आप आई ई एस ऐड कर देंगे और आपका जो वर्ड है वो प्लूरल बन जाएगा। जिस तरह से आपने यहां पर लास्ट में तो वाई देखा, लेकिन वाई से पहले वाला जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है, इसी के बारे में बात की जा रही है। ये जो यहां पर कॉन्सोनेंट लिखा हुआ ना, ये इसके बारे में लिखा हुआ है। ये जो आपका यहां पर एम है, वाई से पहले जो एम है, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट वर्ड हुआ तो उसमें आप आई ई एस ऐड कर देंगे और आपका वर्ड, जो वर्ड है वो आपका प्लूरल बन जाएगा, राइट। इसी तरह से देखें, यहां पर आर्मी लिखा हुआ है तो यहां पर आपने वाई से पहले एम देखा तो आपने इसमें आई ई एस ऐड कर दिया और वाई को हटा दिया तो क्या हो गया, आर्मीज हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहां पर बेबी लिखा हुआ है, वाई है, वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, बी है तो क्या हो गया, बेबीज, आपने वाई को हटाया, आई ई एस लगा दिया, राइट। यहां पर आपने देखा क्राई, आपने आर देखा, कॉन्सोनेंट है तो आपने क्या लिखा, क्राइज, आपने वाई हटाया और आई ई एस एड कर दिया। नेक्स्ट देखें, बिफोर वाई वोविल, अगर वाई से पहले जो है वो वोविल है, राइट, तो वहां पर आप सिर्फ एस एड करेंगे। जैसे आपने यहां पर वाई देखा, राइट, उससे पहले देखा आपने वोविल है, ओ है, ए ई आई ओ यू जो होते हैं वोविल होते हैं, उससे आपने पहले ओ देखा तो आपने क्या किया, सिर्फ एस एड कर दिया, आपका जो वर्ड है वो प्लूरल बन गया। इसी तरह से आपने डे देखा, वाई देखा, वाई से पहले आपने देखा वोविल है तो आपने सिर्फ एस ऐड कर दिया, जो आपका वर्ड है वो प्लूरल बन गया है। नेक्स्ट देखिए, मिडिल वोविल चेंज्ड, अगर कोई इस तरह का वर्ड है जिसके अंदर मिडिल जो वोविल है वो चेंज होता है तो उसको आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने एम ए एन देखा, मैन, तो ये जो बीच वाला जो ई है ये चेंज हो जाएगा, ये मैन हो जाएगा, प्लूरल आपने देखा होगा। जैसे आप वोमेन को भी चेंज करते हैं, राइट, तो वहां पर आपका सिर्फ ई आ जाता है एक स्थान पर, राइट। फुट देखा तो उसका फीट हो गया। इसके आप कुछ एग्जांपल गूगल करके भी देखिए, राइट, जितने भी मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं गूगल करके कुछ और वर्ड्स भी लिखिए अपने नोट्स में, और उसके बाद उनको डेली बेसिस पे दो चार दिन में, या आप उनके एक बार देख लीजिए, मतलब आगे पीछे करके, तो वो चीजें अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई वर्ड यू एम में एंड होता है और आप उसको प्लूरल बनाना चाहते हैं तो आप उसमें सिर्फ ए ऐड कर देंगे और वो आपका प्लूरल बन जाएगा, राइट। जैसे यहां पर देखा आपने करिकुलम, आपने यू एम हटाया और उसके स्थान पर आपने ए लगा दिया तो क्या हो गया, करिकुलम, राइट। इसी तरह से सेनेटोरियम, आपने यू एम हटाया और क्या लगा दिया, ए लगा दिया तो क्या हो गया, सेनेटोरियम, राइट। इस तरह से आप वर्ड को प्लूरल बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई वर्ड आई एस में एंड होता है, राइट, और उसको आप प्लूरल बनाना चाहते हैं तो आप उसे ई एस से रिप्लेस कर देंगे, राइट। जैसे आपने यहां पर देखा एक्सिस, तो उसके स्थान पर आपने यहां पर ई एस लगा दिया तो एक्सिस हो गया। बेसिस, यहां पर आपने आई एस हटाकर ई एस लगा दिया, फिर से आपका जो वर्ड है वो प्लूरल हो गया है। अब इसके अलावा कुछ रूल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। डिस्कस करते हैं अपोस्ट्रोफी एस के बारे में, कहां पर आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है और नहीं लगाना होता है। तो देखिए, इट इज जनरली यूज्ड विद लिविंग थिंग्स विच हैज नेम, जिस भी चीज का कोई ना कोई नाम होता है और लिविंग थिंग होती है उसके साथ आप अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, नॉन लिविंग थिंग के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में लिखा होता है जैसे फेंस, ब्लेड, वुड, स्टेबल, तो इस तरह से आपको इसमें ध्यान रखना है। नॉन लिविंग थिंग का पजेसिव केस जब बनाते हैं तो उसमें आप अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर आपको सिंगुलर में अपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो आप देख सकते हैं, जैसे बॉयज कार, राइट, और रमेश पेन,
यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगाकर यह दर्शाया जाता है कि जो पेन है वो रमेश का है, राइट। और जो यहाँ पर जो कार है वो बॉय की कार है। इसी तरह से प्लूरल में देखें, जब आप प्लूरल में अपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो आप एस के बाद लगाते हैं। जैसे यहाँ पर बॉयज लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाना है, वहां पर आपको एस नहीं लगाना है, क्योंकि इसके लास्ट में पहले से एस लगा हुआ है। जिस भी वर्ड के लास्ट में एस होता है या फिर डबल एस होता है वहां पर आप सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, वहां पर आप एस नहीं लगाते हैं अपोस्ट्रोफी के बाद, राइट। जैसे यहां पर आपने देखा स्टूडेंट्स प्लूरल है, राइट, तो उसके बाद आप सिर्फ अपोस्ट्रोफी ही लगाएंगे, वहां पर एस की जरूरत नहीं है क्योंकि एस यहां पर पहले से लगा होता है। जिस भी वर्ड के लास्ट में एस लगा हुआ हो या फिर डबल एस हो तो वहां पर आप सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं, राइट, स्टूडेंट्स मैस। नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस ही देखते हैं। कंपाउंड नाउन फ्रेज समूह यूज विद लास्ट वर्ड। अगर कहीं पर आपको कोई कंपाउंड नाउन दिखता है या फिर कोई फ्रेज दिखता है तो वहां पर जब आप अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो वो आप लास्ट वर्ड में लगाते हैं, ना कि फर्स्ट वर्ड में। जैसे माई फादर्स इन लॉ हाउस इज बींग रिनोवेटेड, तो यहां पर जो आप एस देख रहे हैं ये गलत है। जो आपको एस लगाना है वो लास्ट वर्ड में लगाना है, ना कि किसी भी फर्स्ट वर्ड में। जो आप लास्ट वर्ड में लगाएंगे तो आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा, राइट। तो आपको याद ये रखना है कि जब भी आप अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, जब भी आप अपोस्ट्रोफी लगाते हैं कंपाउंड नाउन में या फिर किसी फ्रेज में, तो हमेशा आपको लास्ट वर्ड में ही लगाना है, आपको फर्स्ट वर्ड में नहीं लगाना है। यहां पर जैसे मैंने मेंशन किया है कि आपको लास्ट वर्ड में ही लगाना है, जैसे यहां पर आपने लॉज में लगाया है। नेक्स्ट देखिए, विद पजेसिव प्रोनाउन वी कांट यूज अपोस्ट्रोफी एस। अब जब भी आप पजेसिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे तो वहां पर आपको अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, राइट। आप कभी भी पजेसिव प्रोनाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। अगर आपको पजेसिव प्रोनाउन के बारे में नहीं पता तो आप निश्चिंत रहिए, जब मैं प्रोनाउन की वीडियो बनाऊंगा तो मैं उस वहां पर आपको ये सारी चीजें समझा दूंगा एक बार अच्छे तरीके से, राइट। अभी आप मोटा मोटा समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है योर सिंसियरली, तो यहाँ पर आप योर के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते, आपको जो सही लिखना होगा वो होगा योर सिंसियरली, राइट। आर्स ड्यूटी, तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना होगा आर्स ड्यूटी, यहाँ पर आप अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते, राइट। नेक्स्ट देखिए, कंडीशन विद एंड, एंड के साथ आपको किस तरह से फॉलो करना होता है। देखिए, रोहन एंड रंजीत्स फादर has come to meet you, और यहां पर सेकेंड में लिखा हुआ है रोहन्स एंड रंजीत्स फादर हैव कम टू मीट यू। अब दोनों सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है। अब इन दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर तो अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा हुआ है लेकिन ये फिर भी सही है, यहां पर लगा हुआ है तो ये भी सही है, तो इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है और इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, जब यहां पर कहा रोहन एंड रंजीत्स फादर, राइट, रोहन एंड रंजीत्स फादर, और यहां पर फिर हैज भी लगा हुआ है, राइट, तो रोहन और जो रंजीत हैं ये दोनों भाई होंगे और हैज लगा हुआ है, ये इससे पता चल रहा है कि वो दोनों भाई होंगे, दोनों के जो फादर हैं वो एक ही हैं, वो मिलने आ रहे हैं, राइट, मतलब वो मिलने आ चुके हैं। तो यहां पर जो रोहन और रंजीत, अगर आप किसी दो भाइयों के बारे में बात करते हैं या फिर किसी एक ही चीज के बारे में बात करते हैं, राइट, तो वहां पर आपको लास्ट वाले वर्ड में ही आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है। अब रोहन एंड रंजीत के जो फादर हैं वो एक ही हैं, यानी रोहन और रंजीत जो हैं वो दोनों भाई हैं, ओके, और उनके जो फादर हैं वो मिलने आ रहे हैं, उनसे मिलने आ गए हैं, राइट, हैज कम टू मीट यू, वो मिलने आ गए हैं। तो रोहन और रंजीत के क्योंकि एक ही फादर हैं, इस वजह से आपने लास्ट वाले वर्ड में ही अपोस्ट्रोफी लगाया। अब यहां पर जो कंडीशन थी, यहां पर लिखा हुआ है रोहन्स एंड रंजीत्स फादर हैव कम टू मीट यू। अब रोहन के फादर अलग हैं, रंजीत के फादर अलग हैं, यानी रोहन कोई अलग व्यक्ति है, रंजीत कोई अलग व्यक्ति है, दोनों आपस में भाई नहीं है क्योंकि यहां पर हैव भी लगा हुआ है, कोई दो अलग अलग लोग हैं, एक ही फैमिली के दो मेंबर नहीं है, राइट, कोई अलग अलग हैं, यानी रोहन के फादर अलग हैं, कोई रोहन अलग है उसके कोई दूसरे फादर हैं, और जो रंजीत है उसके कोई और फादर हैं, वो एक ही व्यक्ति नहीं आ रहा है, कोई दो व्यक्ति आ रहे हैं, राइट। तो यहां पर इस वजह से हैव भी लगा हुआ है और यहां पर आपको दोनों में अपोस्ट्रोफी भी लगाना पड़ता है ऐसी कंडीशन में, ओके। नेक्स्ट देखिए,
विद द वर्ड एल्स, जब भी आपको एल्स में अपोस्ट्रोफी लगाना होता है या कोई ऐसा सेंटेंस आता है कि जिसमें आपको एल्स भी दिखता है, तो आपको वहां पर एल्स में ही अपोस्ट्रोफी लगाना होता है, ना कि दूसरे वर्ड में। जैसे नोबडी एल्स लाइफ इज सो सिंपल एज योर्स, ये कहना गलत होगा, इनकरेक्ट होगा, राइट? तो यहां पर आपको एल्स में आपको अपोस्ट्रोफी लगाना है, ना कि लाइफ में। ओके, इसका ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे तरीके से और रिवाइज भी कर लीजिएगा बाद में, राइट? नेक्स्ट देखिए, इट इज यूज्ड फॉर शोइंग पोजेशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखिए, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग के बारे में आपको पोजेशन शो करना है, तो वहां पर आपको ऑफ का यूज करना है। जैसे मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने के कुछ देर बाद जब हमने अपोस्ट्रोफी शुरू ही किया था, तो मैंने आपको बताया था कि फेंस टेबल लगाकर, सॉरी फेंस ब्लेड बोलकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर वुड्स टेबल इस तरह से अपोस्ट्रोफी और एस लगाकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जब भी आपको इस तरह का सेंस बनाना हो कि आप पोजेशन दिखाना चाहते हैं किसी नॉन लिविंग थिंग पर, तो वहां पर आपको ऑफ का यूज करना होता है। जब आप ऑफ का यूज करेंगे तो सेंस फिर वही निकलेगा, आपको सिर्फ अपोस्ट्रोफी और एस नहीं लगाना है, राइट? तो यहां पर देख सकते हैं आप, विंडो ऑफ हाउस, सेल ऑफ वॉच, इसी तरह से आप लिख सकते हैं ब्लेड ऑफ फैन, राइट? ब्लेड ऑफ फैन, जो फैन होता है, छत का पंखा होता है, या फिर कोई भी जो उसके ब्लेड होते हैं, तो अगर आपको उसके बारे में बात करनी है तो आप बोल सकते हैं ब्लेड ऑफ फैन, ओके? अब इसके अलावा अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे, राइट? इसमें आप पहले ट्राई कीजिए, मैं 5 सेकंड के लिए आपका वेट करता हूं, आप 5 सेकंड में ट्राई कीजिए, उसके बाद हम यहां पर देखेंगे कि कहां पर एरर है। रीड कीजिए और कोशिश कीजिए। देखिए, आफ्टर ब्रीफ अपीयरेंस बिफोर वेटिंग क्राउड्स ही वॉज टेकन टू द गवर्नर चैम्बर फॉर स्वेरिंग इन सेरेमनी, नो एरर। अब यहां पर तो देखिए, यहां तक तो बिल्कुल ठीक था, बिफोर वेटिंग क्राउड्स ही वॉज टेकन, यहां भी ठीक है। यहां पर जब आपने देखा गवर्नर और चैम्बर, अब जब गवर्नर के चैम्बर की बात की जा रही है, तो वहां पर पोजेशन तो दिखाना पड़ेगा कि जो चैम्बर है वो गवर्नर का है, अदरवाइज यहां पर पता कैसे चलेगा। अगर आप कहना चाहते हैं फैज मोबाइल, राइट, अगर आप फैज मोबाइल कहना चाहते हैं, तो फैज मोबाइल तो ऐसे हो जाएगा कि एक बार फैज बोल दे आप, एक बार आपने मोबाइल बोल दे, दो अलग अलग वर्ड हो गए। लेकिन अगर आप बोलेंगे फैज मोबाइल, यानी फैज का मोबाइल, अपोस्ट्रोफी एस लगाकर अगर आप लिखेंगे, तो तभी तो आपको इन्फॉर्मेशन होगी जो मोबाइल है वो फैज का है, राइट? तो यहां पर आपको गवर्नर में अपोस्ट्रोफी लगाना है, जब भी आपको पता चलेगा कि जो चैम्बर है वो गवर्नर का है, तो यहां पर अपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ट्राई कीजिए पहले। देखे, ओ फॉर गॉड शेक, लीव मी अलोन एंड गो अवे फ्रॉम हेयर, नो एरर, राइट? अब यहां पे देखे, जब आपने कहा ओ गॉड शेक, राइट, अब गॉड की खातिर, शेक का क्या मतलब होता है? किसी चीज की खातिर, राइट? जब गॉड की खातिर लिख रहे हैं आप, तो गॉड्स के साथ भी, गॉड के साथ भी आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, तभी तो आप इस तरह से बोलेंगे कि गॉड की खातिर, जैसे बोलते हैं ना कि भगवान की खातिर, राइट? तो यहां पर आप गॉड में अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, और उसके बाद जो आपका वहां पर अपोस्ट्रोफी एस लगाने के बाद आपका जो शेक आप लिखेंगे वो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राहुल एंड मीनाज फादर आर कमिंग हेयर फॉर अटेंडिंग दिस मीटिंग, नो एरर, ट्राई कीजिए। देखिए, राहुल एंड मीनाज फादर आर कमिंग हेयर, देखिए यहां पर आर लगा हुआ है, राइट? अब जब यहां पर आर लगा हुआ है, तो इसका मतलब जो है, जो राहुल हैं और मीना हैं, उन दोनों के कोई अलग अलग फादर हैं, राइट? अगर यहां पर इज लगा हुआ होता तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही होता,
राइट, लेकिन यहां पर आर लगा हुआ है, आर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो है राहुल के जो फादर हैं और मीना के जो फादर हैं वो दोनों अलग अलग हैं, तो इस वजह से आपको यहां पर एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। अब हम एपोस्ट्रोफी एस क्यों लगा रहे हैं, ये इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि यहां पर आर लगा हुआ है और राहुल और मीना के जो फादर हैं वो अलग अलग हैं, राइट, वो मीटिंग अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, राइट। जब यहां अगर यहां पर इज लगा हुआ होता है तो सेंटेंस सही होता। अभी हमने लास्ट अभी हमने एपोस्ट्रोफी का जब हमने रूल पढ़ा तो हमने पढ़ा था कि अगर प्लूरल हो यहां पर, राइट, तो हम यहां पर दोनों में एपोस्ट्रोफी लगाएंगे क्योंकि दो यहां पर सेंस दिखाता है कि दोनों के जो फादर हैं वो अलग अलग हैं, राइट। तो इस वजह से यहां पर हमने अगर यहां पर आर लगा हुआ तो हमें यहां पर एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा। अगर हम इसको ही ठीक करना चाहते हैं तो हम आर हटाकर इस कर देंगे, लेकिन हमें मिनिमम एरर को ही हम प्रायोरिटी देते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस लगाना ज्यादा सही रहेगा। तो हम यहां पर एपोस्ट्रोफी और एस लगा देंगे और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ हिज लगेजेस वर लॉस्ट ऑन द स्टेशन, नो एरर। बताइए क्या एरर है इसमें। देखिए हमें पार्ट सेकंड में पढ़ा था, पार्ट सेकंड में क्या पढ़ा था हमने कि एक वर्ड होता है लगेज, इसमें आप एस नहीं लगा सकते, राइट, तो लगेज वॉज हो जाएगा। आप कभी भी लगेज में एस नहीं लगा सकते। कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको आप एस या ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते, राइट, तो आपका क्या हो जाएगा, लगेज हो जाएगा और उसके साथ आपको वॉज लगाना पड़ेगा, ना कि आप वर लगाएंगे, राइट। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो और ये चैप्टर जो नाउन का था ये बिल्कुल समझ आया होगा। एक वीडियो और लेकर आऊंगा मैं जिसमें हम नाउन के क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आऊंगा, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है फिर भी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहां से सारी चीजें पूछ सकते हैं, ओके। तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।